हापुड़ के रौबदार शांत चेहरे वाला कैसे फंस गया आईएसआई के हनी ट्रैप में? हनी ट्रैप में कैसे फंसाते हैं आईएसआई? आईएसआई के इस चुंगल में पिछले 25 वर्षों में कितने भारतीय फंसे? उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले सत्येंद्र सिवाल पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं। सत्येंद्र पर हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को देश की गोपनीय जानकारियां साझा करने के आरोप लगे हैं। वह रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात थे। नमस्कार, मैं पूजा भारती। आज के इस वीडियो में हम आपको सत्येंद्र की हनी ट्रैप की कहानी तो बताएंगे ही, साथ ही हम बताएंगे कि कैसे आईएसआई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, और आपको बताएंगे कि पिछले 25 सालों में कितने भारतीय आईएसआई की इस चुंगल में फंस चुके हैं। हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है? नाम से ही इसका अर्थ समझ आ जाता है। हनी का मतलब शहद और ट्रैप का मतलब जाल। हनी ट्रैप में किसी को भी फंसाया जा सकता है। इस ट्रैप में सरकारी अधिकारी से लेकर आम आदमी तक को फंसाया जा सकता है। उसके बाद गोपनीय जानकारियां मांगी जाती हैं। कई बार लोग हनी ट्रैप में अपनी मर्जी से जानकारियां साझा करते हैं, तो कई बार उन्हें ब्लैकमेल कर जानकारियां ली जाती हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अक्सर खूबसूरत महिलाओं का इस्तेमाल कर भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी निकालते हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े अधिकारी या देश के अहम पदों पर काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसके बाद जो महिलाएं हनी ट्रैप में ट्रेंड होती हैं, वो उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं और देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां निकाल के अपने देश को देती हैं। हनी ट्रैप में कैसे भारतीय दूतावास के कर्मचारी सत्येंद्र फंसे? उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने 4 फरवरी 2024 को मेरठ में सत्येंद्र सिवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। वह फिलहाल मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में तैनात थे। रौबदार और शांत स्वभाव के सत्येंद्र के गांव वाले इस बात से हैरान हैं कि सत्येंद्र को देशद्रोह के आरोप में कैसे पकड़ा गया। बता दें कि सत्येंद्र का परिवार इस घटना के बाद गांव छोड़कर चला गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सत्येंद्र आईएसआई के इस जाल में फंसे कैसे और एटीएस को इसकी जानकारी कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। अपने प्लान के तहत पाकिस्तान की महिला जासूस ने पहले तो फर्जी नाम से फेसबुक पर सत्येंद्र को दोस्त बनाया, फिर फोन कॉल और वीडियो कॉल पर सत्येंद्र से बातचीत शुरू की। ये पूरी घटना साल 2021 से चल रही है, यानी कि साल 2021 से सत्येंद्र देश की गोपनीय जानकारी आईएसआई को साझा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एटीएस सत्येंद्र तक कैसे पहुंची। दरअसल एटीएस को कुछ समय से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि देश की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा की जा रही हैं। एटीएस ने सत्येंद्र को इसी आधार पर पकड़ा। आपको बता दें कि सत्येंद्र ने पूछताछ में अपने पर लगे सारे आरोप कबूल भी किए हैं। इसके अलावा एटीएस सत्येंद्र के बैंक अकाउंट को भी तलाश रही है। सत्येंद्र पर आरोप है कि हो सकता है कि उन्होंने देश की गोपनीय जानकारियों के बदले पैसे लिए हैं। सत्येंद्र से पहले कौन कौन भारतीय फंस चुके हैं इस ट्रैप में? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क पश्चिमी यूपी से काफी पुराना है। 25 वर्ष के अंदर अब तक 18 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 18 एजेंटों में से 16 स्थानीय हैं, जबकि 2 बाहरी हैं। पिछले 2.5 दशक की बात करें तो अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 पाकिस्तानी और दूसरा जम्मू कश्मीर का आईएसआई एजेंट पकड़ा गया है। लेकिन फिर वही सवाल, देश की सुरक्षा के साथ कब तक होगा खिलवाड़?